हेलो फ्रेंड्स, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेके आपके लिए आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, पहले मैंने कद्दू की सब्जी बनाने की सोची थी, और ये कद्दू देखिए मैंने काट भी दिया है। ये कद्दू मेरा ग्रीन है, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कद्दू है ये, तो इसलिए मैं इसका छिटला नहीं निकालूंगी। अगर आपका कद्दू पका है तो आधे का छिटला निकाल दीजिए, आधे का मत निकालिए। तो ये देखिए, पहले मैंने कद्दू इस तरह काट लिया था कि इसकी सब्जी मैं बनाऊंगी चने की दाल में। लेकिन दोस्तों, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि ये कद्दू खाते खाते मैं उब गया हूँ, तो चलिए मैं इस कद्दू की सब्जी बनाने चल रही हूँ, तो इसको मैं कद्दूकस करूंगी। अब ये देखिए, इसके लिए सामग्री है, ये प्याज है, ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, ये हरा मिर्च है, टमाटर है, ये जीरा है, तेज पत्ता है, और कद्दू के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है मेथी, क्योंकि कद्दू बादी होता है, इसलिए मेथी है, अजवाइन है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पारंपरिक मसाले, ये हल्दी, धनिया, मिर्चा और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। तो इसको मैं पानी डाल के पहले ही घोल लेती हूँ, ये देखिए, कि जिससे इसका स्वाद, इसका रंग, मसालों का सब इसमें रच बस जाए। और इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम इस कद्दू को करते हैं कद्दूकस, फिर मिलते हैं आपसे भैया। अब देखिए, ये मैंने कद्दू कद्दूकस कर लिया। इसको मैंने साफ पानी से 2-3 बार धुल लिया है। वैसे भी सारी सब्जियां जब आती हैं फ्रेंड्स, तो मैं तुरंत ही धुल लेती हूँ। मैं यहाँ तक कि आलू भी धुलकर ही फ्रिज में रखती हूँ। तो ये देखिए, फिर भी मैंने देखिए कद्दू फिर से धुला है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल नई रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि आज बच्चे कद्दूआ के लिए मुंह बना रहे थे, नाक बहुत सिकोड़ते हैं बच्चे, जबकि बहुत फायदेमंद रेसिपी है। लेकिन लौकी, कद्दू, तरोई बच्चों को पसंद नहीं आती। अब ये देखिए, इसमें हम डालते हैं बेसन, ये बेसन, ये मेरा राजधानी बेसन है, अच्छा आता है ये देखिए। तो इसमें भी हम 2 चम्मच डालेंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, अगर इसके गोले बनेंगे तो ठीक है, वरना फिर और बेसन मिक्स करते हैं। लेकिन उसके पहले इसमें हम डाल लेते हैं थोड़े मसाले। देखिए, थोड़े मैंने धनिया डाल दिया है, थोड़ा डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ये इसका टेस्टी बनाना है मुझे। अब डालेंगे अमचूर पाउडर थोड़ा सा, अब डाल दिया हल्दी पाउडर, अब डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग जरूरी होती है डाइजेस्ट के लिए, कद्दूआ है, कद्दूआ बादी होता है फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छा बहुत लगता है हम लोगों को, लेकिन ये थोड़ा बादी होता है। अब इसमें आप चाहें तो मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, हम थोड़ा कम तीखा रखाते हैं, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, ये देखिए कलर के लिए। अब इसमें देखिए हम मिलाएंगे ये सब्जियां जो मेरी हैं। सब्जी आपके पास जो भी हो, आपके घर में अवेलेबल, आप सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आधी गाजर डालूंगी, क्योंकि कोफ्ते कम है, ये आधा शिमला मिर्च है, ये बाकी सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। ये आधा प्याज डाल देते हैं, ये देखिए, और ये मेरे टमाटर है, ये भी मैं आधा ही डालूंगी। अब ये हरा मिर्चा है, ये देखिए, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप पसंद करते हो। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा, ये देखिए, और पहले इसको हम हाथ से इस सब्जी में इसको मिक्स करेंगे। अगर पानी की आवश्यकता होगी तो पानी डालेंगे, नहीं तो हमारा कद्दू गीला होता है, आप सभी जानते हैं, तो रोल इसके हो सकता है बन जाए। तो आज बिल्कुल न्यू रेसिपी हम तैयार करते हैं। और इधर देखिए, गैस पे मैंने चढ़ा दिया है भगोना पानी का। ये सब्जी बिल्कुल बिना तेल की बनेगी। देखिए, पानी की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। ये मेरी कद्दू जो है उसने बेसन को अब्जर्ब कर लिया है, अब हमें बेसन की भी जरूरत नहीं है। अब इसका हम एक बढ़िया सा रोल तैयार करेंगे, और मेरा भगोने का पानी खोल जाएगा तो मैं इसको स्टीम करूंगी, क्योंकि तेल भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। अब ये देखिए, इसमें हम सोडा वगैरह नहीं डालते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये बिल्कुल तैयार हो गया है बैटर। तो इसमें अब मैंने नमक डाला है, पहले से आप भी नमक मत डालिए, वरना पानी छूट जाएगा और आपको स्टीम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए, मेरा पानी भी बॉयल हो रहा है,
ये अब इसमें एक छन्नी आप ग्रीस करके रख दीजिए, ये देखिए ये छन्नी मैंने रख दिया है ग्रीस करके। अब इसका मैं रोल बनाऊंगी, देखिए इसका, इसमें आप सब्जियां जो चाहें वो सब्जी आप रख सकते हो। ये देखिए, हो सकता है आपने सब्जी बनाया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपने बनाया होगा। ये बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती। ये देखिए, जब आप रोल बनाए तो इसका ये शेप रखें कि थोड़ा सा ऊंचा हो। देखिए, नमक डालने के बाद ये अपने आप गीला हो जाता है। अब ये ऐसे रखना है मुझे, ये देखिए बिल्कुल इस चीज को ऊंचा रखिए। देखिए, नमक रखने के बाद ही अपने आप गीला हो गया, इसीलिए मैंने नमक बाद में डाला है। ये देखिए, इसको बिल्कुल इस आकार का हम बनाएंगे, ऊंचा। चार रोल बनेंगे, चार नहीं बल्कि तीन ही बनेंगे, लेकिन तीन नहीं बनाए जाते, इसलिए मैं एक छोटा सा और बना दूंगी। देखो बेटा, अब ये देखिए, इसको मैं इस तरह ढकूंगी कि इसका प्रेशर नहीं पड़े। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये कांच वाला पैन है ये देखिए, लेकिन कांच वाले लिड से अगर हम इसको ढकते हैं तो इसका शेप बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसको ऊंचाई पे होना चाहिए। इसलिए देखिए, ये मेरा दूध का भगोना है, ये देखिए इसको हम ढकेंगे, ये देखिए, जिससे मेरा भाप जो है जरा से भी बाहर नहीं निकले। और इसके ऊपर रख देंगे देखिए वजन, ये अभी इसका इंतजार करेंगे कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट में ये बहुत बढ़िया से पक के निकलेंगे। चलो, तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये 10 मिनट हो गया है, करीब करीब पक गया होगा। तो ये देखिए, ये मैं इसको निकाल ली हूँ और गैस को कर देते हैं बंद। अब ये देखिए बिल्कुल पक गया है, ये बिल्कुल देखिए, ये बहुत बढ़िया से पक गया, रेडी है। आप खाने के लिए इसको स्नैक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो मैं एक पीस रख लूँगी शाम को स्नैक्स के लिए, 3 की सब्जी बनाऊंगी। इसको ठंडा होने देते हैं और तब तक के लिए हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसको देखिए, हम इधर उठा रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार होगी। अगर आपने एक बार बनाया तो बार बार इस सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, तेज पत्ता, लौंग, मेथी, जीरा, इसी के साथ में हींग, प्याज, अब दोस्तों मैंने इसमें गार्लिक नहीं डाला है, सिर्फ प्याज डाले हुए हैं, खाली प्याज डाल के बनाए हुए। सारा प्याज डाल देते हैं। तो ये हरा मिर्च है, क्या करें, अब इसे डाल देते टमाटर। थोड़ा सा नमक टमाटर गलने के लिए। बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि मैंने कोरसों में भी डाल रखा है। सॉरी, इसी समय ये मसाले डाल देते हैं जो मैंने पारंपरिक मसाले बना के रखे हैं। कटोरी धुल के डाल दिया जी, तो सारे मसाले इसमें आ जाएंगे, मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को हम भूनेंगे। थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और कलर के लिए,
देखिए वन स्पून कश्मीरी मिर्ची डाल दी कलर के लिए। हाँ दोस्तों, बिना गार्लिक के मैंने सब्जी बनाई है, अदरक और गार्लिक दोनों नहीं डालेंगे। अभी मसाला हम भूनेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, या तो आप तेल ज़्यादा डालिए या पानी डालिए, क्योंकि मसाला पकना बहुत ज़रूरी, तेल हम कम इस्तेमाल करते हैं। आप फ्रेंड्स देखिए, हम इसमें थोड़ा सा ये शिमला मिर्च डाल देते हैं और थोड़ी सी गाजर भी डालेंगे, ये अच्छी लगेगी, क्रंची क्रंची, वो चिप मुलायम रहेंगे और ये क्रंची लगेगा। तो ये देखिए, अब इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें देखिए हम पानी डाल देते हैं, पानी आप इच्छा अनुसार डालें, ग्रेवी जितनी गाढ़ी पतली रखना चाहें। सारे मसाले भी इसमें छुपा लेते हैं और अब हम ये कच्ची का उपयोग नहीं करेंगे, इसको रख देते हैं, चमचा निकाल लेते हैं और इसको पकने का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कटलेट हैं, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है, ये देखिए कि ये मेरे तीन पीस थे, तो इनको मैंने पतले पतले काट लिया है। और ये देखिए नीचे थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल के इनको हल्का सा सेलो फ्राई कर देते हैं, ये देखिए, और ये शाम के लिए हो जाएगा। ये बहुत पतले पतले फ्रंट में मैंने काट लिए हैं। अब इतनी सब्जी मेरे लिए काफ़ी होगी, बाकी सब शाम को बनाया जाएगा। इधर मेरा ग्रेवी पक रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सेलो फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया टेस्टी बनते हैं। ये शाम के स्नैक्स के लिए आप इस्तेमाल करें या कुछ, ये देखिए अब इसके अभी इसमें हम ग्रेवी डालेंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया से बन गए। अब इसको हम साइड में रखते हैं और ये ग्रेवी को देखते हैं। ग्रेवी भी करीब करीब मेरी तैयार ही है, थोड़ा सा और हो जाती है ग्रेवी, इसमें गाढ़ी अच्छी लगती है। अब फ्रेंड्स देखिए, मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम ये घर की मलाई है, स्लो करते हैं गैस और इसको मिक्स कर देते हैं, इससे सब्जी का कलर और ये सब्जी दोनों का एक रिच लुक आएगा। ये देखिए अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि मलाई हमारी इससे पिघल नहीं जाती। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो दही भी डाल सकते हैं, दही या छाछ कुछ भी, या आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मलाई डालने से इसका कलर रिच आ जाता है और बड़ा अच्छा लुक आ जाता है। ये सब्जी आपको कद्दू की सब्जी लगेगी ही नहीं, इसके सामने आपको पनीर फेल हो जाएगा। वैसे फिलहाल दोस्तों पनीर की तुलना लोग देते हैं, लेकिन अब तो पनीर हमें बिल्कुल नहीं पसंद आता। ये देखिए और उतना ही पनीर अब मिलावटी आने लग गया है। अब ये देखिए, अब ये ग्रेवी देखिए बिल्कुल ग्रेवी तैयार है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और ये देखिए सर्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, देखिए थोड़ा गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला हमने खड़ा डाला है इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। अब डालेंगे देखिए कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके कसूरी मेथी पड़ गई, बहुत बढ़िया सी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। मलाई डालने के बाद इसका टेक्सचर, इसका कलर सब बदल गया है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया, इसको अब देखिए इस सब्जी को हम इधर रख देते हैं। और अब हम ये जो हमारे कोफ्ते हैं, है बिल्कुल खाने के टाइम इनमें हम सब्जी डालेंगे, पहले से नहीं डालेंगे। ये देखिए ये बहुत बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, ये देखिए। और इसके ऊपर बाकी सारे हम रख देंगे, सिर्फ हम दो कोफ्ते निकालते हैं। फ्रेंड्स दिखा रहे हैं, इससे बेकार हो जाएंगे। ये देखिए तो हम इस पे रखते हैं दो कोफ्ते,
ये देखिए दो, क्योंकि बेटे बड़े वाले बेटे मेरे खाना खाने जा रहे हैं तो मैं उनके लिए ही इसको परोस रही हूँ। तो चलिए आप देखिए आपको कैसी लग रही है आज की मेरी सब्जी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। अब इसको आप कभी भी चलाने की गलती मत कीजिएगा कि इसमें डाल दें, इसमें डालने की गलती नहीं कीजिएगा नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अब इस मसाले को हम ऐसे रख देते हैं, देखिए, और ये मेरे कोफ्ते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए मेरा बादाम है, ये बादाम हो गया, और ये देखिए ये एक किशमिश है, ये है, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पाउडर और धनिया, ये धनिया की पत्ती, सॉरी। तो ये देखिए अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिथिला जी की दुनिया। कैसा लग रहा आपको? अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों ये रेसिपी, ये कद्दू के कटलेट या कद्दू के कोफ्ते, आप क्या बोलेंगे इसको आप बताइएगा कमेंट करके। लेकिन अगर आपने एक बार बना लिया एक बार खा लिया तो आप हमेशा ये रेसिपी बनाते रहेंगे। ये देखिए कि हमने पांच, कितने बचे हुए हैं, 2, 3, 4, 5 पांच बचे हुए हैं। जैसे जैसे लोग खाना खाने आएंगे वैसे हम एक रखेंगे और उसको दे देंगे। तो ये रेसिपी तैयार है, बेटे खाना खाने जा रहे हैं, उनको मैं परोसने जा रही हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मिथिला जी की दुनिया में आपको बहुत स्वागत है, और उम्मीद करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़।